गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सिल्की फ्रॉम वर्धमान करियर प्लेस। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो क्लर्क का पेपर है उसके कंपोनेंट्स के बारे में है कि उसमें क्या क्या आएगा, प्लस प्रेसी राइटिंग के बारे में है कि प्रेसी राइटिंग को किस कैसे इफ़ेक्टिव हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आपको GK 50 मार्क्स की आएगी। इंग्लिश का जो फर्स्ट पार्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव है 20 मार्क्स का होगा। ये MCQ बेस्ड पेपर होता है, इसमें आपको 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन के लिए मिलते हैं और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो आपको 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो आपको टॉपिक्स आएंगे वो है एंटोनम, सिनोनम्स, एरर्स, रॉन्गली स्पेल्ड, नरेशन, वॉइस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, होमोफोन्स, ये आपके मेन टॉपिक्स रहेंगे और रीअरेंजमेंट ये भी इसी के अंडर आएगा। तो नेक्स्ट है इंग्लिश का सेकेंड पार्ट जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, ये 30 मार्क्स का होता है। इसमें आपको ऐसे आएगा 150 वर्ड का 10 मार्क्स का, लेटर आएगी 5 मार्क्स की और प्रेसी भी 5 मार्क्स की आएगी, प्लस ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 10 मार्क्स की आएगी। आपको टोटल 100 मार्क्स का पेपर आएगा जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में 17 मार्क्स एक्वायर करने बहुत ज़रूरी है, यानी कि 33% आपको चाहिए हर पेपर को क्लियर करने के लिए और दोनों को क्लियर करने के लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए होंगे। इसके अलावा आपको CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये भी आपका होगा, इसमें आपकी जो वर्ड स्पीड होगी वो 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे टिप्स फॉर प्रेसी राइटिंग कि हाउ टू राइट इजी एंड इफ़ेक्टिव प्रेसी इन एग्ज़ाम्स। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, अ प्रेसी कॉन्स्टिट्यूट 1/4 ऑफ द ओरिजिनल सोर्स इन लेंथ। प्रेसी राइटिंग जो होती है वो 1/4 होती है लेंथ में, 1/4 लेंथ उसकी लिखी जाती है उसकी ओरिजिनल लेंथ में। नॉर्मली वर्ड्स को काउंट किया जाता है प्रेसी में, पर क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है तो आप सेंटेंसेस काउंट कर सकते हैं। सपोज़ आपको जो गिवन पैराग्राफ है उसमें 10 सेंटेंस आपको दिए हैं तो 10 का हाफ 5 और उसका 1/4 3 या 3.5, तो मतलब आपका जो प्रेसी राइटिंग का लेंथ होगा वो 3.5 होगा। तो इस तरह से आप अपनी लेंथ को वहाँ पर मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द की आइडियाज़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रेसी का कि आप की आइडिया को अंडरस्टैंड करें जो ऑथर ने पैसेज में हमें कन्वे किया है। तो आप उस आइडिया को अपने ब्रेन में रखेंगे पूरी प्रेसी को पढ़ के कि एक्चुअल में ऑथर क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट, अवॉइड द एग्जांपल्स एंड कोटेशंस। प्रेसीज में अक्सर एग्जांपल्स और कोटेशंस दी जाती हैं, तो इसको कभी भी आपने अपनी प्रेसी राइटिंग में मेंशन नहीं करना है क्योंकि ये प्रेसी को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देता है और ये एक्स्ट्रा मटेरियल होता है प्रेसी का। नेक्स्ट, डोंट ट्राई टू एक्सप्रेस योर पर्सनल ओपिनियंस। आप प्रेसी के अंदर अपनी पर्सनल ओपिनियंस या अपनी वर्डिंग्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। प्रेसी में जो वर्ड्स, जो सेंटेंसेस या फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं उसी को लेके, उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना प्रेसी राइटिंग 1/4 लेंथ में स्टार्ट करना होता है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस और फ्रेजेस प्रेसी के की आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए मोस्ट प्रोमिनेंट या स्ट्रॉन्ग हैं उनको आपने अपनी प्रेसी राइटिंग में ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि उससे आउटलाइन द ओरिजिनल पैसेज, एक जो पैसेज में ऑथर ने हमें क्या मैसेज या क्या चीज़ बताने की कोशिश की है उसकी आउटलाइन इसी से निकल के आती है। तो ये चीज़ कभी नहीं भूलनी है कि जो भी इम्पॉर्टेंट फ्रेजेज या सेंटेंसेज हैं इनको कभी आपने प्रेसी राइटिंग में स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट, सेंटेंसेज शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड टू वन अनदर। जो सेंटेंसेज आपने अपनी प्रेसी राइटिंग के लिए सिलेक्ट किए हैं वो लॉजिकली एंड ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, इनकरेक्शन उसमें नहीं होनी चाहिए। लास्ट, राइट द टाइटल। टाइटल जो है वो प्रेसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ये ज़रूर लिखना है और टाइटल आपको फर्स्ट 2 या 3 लाइन्स को पढ़ के पता चल जाता है कि प्रेसी एक्चुअली किस थीम या किस टाइटल पे बेस्ड है। आई होप आज की आप वीडियो इस वीडियो लेक्चर में आपको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उनका कंपोनेंट पेपर कैसे आएगा, प्लस प्रेसी राइटिंग
के टिप्स, कैसे इसको हमने एग्ज़ाम में लिखना है, अंडरस्टैंड कर लिया होगा. फॉर फर्दर वीडियो लेक्चर्स प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल वर्धमान करियर प्लेस. थैंक यू.